everyone. In this lecture, I am going to talk about the important points of surface chemistry. Surface chemistry already आप लोग यहाँ से अभी पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं. Fine. तो surface chemistry जो chapter है हमारे पास, question यहाँ से definitely आता है. एक से दो number का काम यहाँ से आएगा ही आएगा. And this is important one. डिटेल वीडियो इसकी ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप लोगों ने इसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो सरफेस का अगर ये भी पार्ट अगर आपने कर लिया तो दैट इज सफिशिएंट नाउ. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताना था, एड्सॉर्प्शन क्या होती है. ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई सरफेस है, दिस इज सरफेस. सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल आया और वो क्या हुआ, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसके साथ चिपक जाएगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो गई है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन. ठीक है, अब दो चीजें हैं, जिस सरफेस पे होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो पार्टिकल एड्सॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है, विच इज डूइंग एड्सॉर्प्शन, उसको क्या बोलते हैं. ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन. तो जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो पार्टिकल एड्सॉर्प्शन कर रहा है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया गया था कि ऑक्सैलिक एसिड है और ऑक्सैलिक एसिड किसी सरफेस के ऊपर, चारकोल सरफेस था उसके ऊपर वो एड्सॉर्प्शन कर रहा है. तो बताइए कि जो चारकोल है उसको हम क्या बोलेंगे. तो चारकोल हमारे पास क्या है, यहाँ पे सरफेस है, और सरफेस को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट, जहां पे एड्सॉर्प्शन हो रही है. तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, वन मार्क का आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो वी हैव डन दिस. ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी एड्सॉर्प्शन होती है पार्टिकल इसके पास आता है एंड इट इज गोइंग टू मेक अ बॉन्ड. फाइन, तो ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन, आई एम गोइंग टू राइट ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन, पार्टिकल्स कम क्लोजर टू द सरफेस एंड फॉर्म बॉन्ड. जब भी दो स्पीसीज के बीच में बॉन्ड बनता है, मैंने बहुत बार आपको ये आगे भी करवाया है कि जहां पे दो चीजें मिलेंगी और बॉन्ड बनेगा वहां से एनर्जी रिलीज होगी. जब भी आप किसी चीज को तोड़ेंगे, बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड. ठीक है, दो चीजें याद रखिएगा. अब एड्सॉर्प्शन वाले चैप्टर में यहां दो चीजें मिल रही हैं तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और एनर्जी इज रिलीज्ड. इफ एनर्जी इज रिलीज्ड तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक. ओके, और एक्सोथर्मिक के लिए जो हीट का साइन हम देते हैं वो हमेशा नेगेटिव होगा. फाइन, अब एक चीज और है यहाँ पे, देखिए अगर मैं बात करूं कोई रिएक्शन की, तो रिएक्शन ना दो कैटेगरी की है. एक ऐसी रिएक्शन जो खुद से हो जाती है, विच अकर्स बाय देयर ऑन, जो अपने आप चलती रहती हैं. जैसे मैं बोलूं कि सन निकलता है, रोज चांद आ जाता है, अर्थ मूव कर रही है, तो ये जो प्रोसेस है वो डेली चलते हैं, अपने आप से हो रही है. जो रिएक्शंस अपने आप से होती हैं, दैट रिएक्शंस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. उसके लिए आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, अब अर्थ मूव कर रही है, वो रिएक्शन कर रही है, तो आपको तो कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा ना, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. अगर रिएक्शन खुद से ना हो, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें खुद से फोर्स देना पड़ता है, एक्सटर्नल कोई आप पार्टिकल या फोर्स लगाएंगे तभी वो रिएक्शन हो गई. अगर रिएक्शन तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग कि अगर रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस है जो खुद से हो रही है, ये वन टाइप की रिएक्शन है,
और सेकेंड टाइप होती है जो खुद से नहीं होती, जिसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये ऑलरेडी मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आप लोगों को करवा रखा है। अगर रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली हम बात करें कि अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, तो आप देखिए अर्थ घूम रही है, सन निकल रहा है, ऑलरेडी मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया था, नेटवर्क इश्यू था, मे बी द डिस्कनेक्शन इज देयर। तो यहाँ पे अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो याद रखिएगा जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होगा। ये आपने बहुत बार पढ़ रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर रिएक्शन खुद से नहीं होती तो आपको धक्के से करवानी पड़ेगी, उस केस में जो प्रोसेस है डेल्टा जी वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ये चीज याद रखिएगा। अब सेकेंड एक चीज और समझिए कि जब हमारे पास मान लीजिए सरफेस है, पहले पार्टिकल्स इधर उधर पड़े थे, ठीक है, अब ये सरफेस था, जब हमारे पास ये सारे क्लोज आए इसके, ठीक है, तो एडसॉर्प्शन के टाइम पे ये सारे यहाँ पे चिपक गए, इट इज एडसॉर्ब ऑन द सरफेस। अगर मैं बात करूं यहाँ कोई पार्टिकल किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है, तो हम यहाँ पे इस वर्ड का यूज करेंगे कि यहाँ ना रेंडमनेस बहुत ज्यादा है, रेंडमनेस इज मोर। रेंडमनेस को हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज बात करें तो डिसऑर्डरनेस भी बोल देंगे, मतलब यहाँ पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक सिमेट्री नहीं बनी हुई, कोई पार्टिकल कहाँ पे पड़ा है, कोई पार्टिकल कहाँ पे पड़ा है, बट जब इन्होंने एड्सॉर्प्शन कर ली तो यहाँ पे हमारे पास रेंडमनेस क्या हो गई, कम, रेंडमनेस इज लेस, जिसको आप बोल सकते हैं डिसऑर्डरनेस इज लेस। तो यहाँ पे ना एक चीज और, अगेन ये पिछले वाले चैप्टर्स के साथ रिलेटेड है, जब भी हम रेंडमनेस की बात करते हैं तो हम एंट्रोपी देखते हैं, किसमें मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय एंट्रोपी। तो यहाँ पे कम है ये, तो मैं क्या बोलूंगी, जब भी रेंडमनेस हमारे पास डिक्रीज होती है या कम होती है तो उस रिएक्शन में जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव रहेगी, और यहाँ पे जो एंट्रोपी है जिसको आप डेल्टा एस से लिखते थे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल रिएक्शन की तो ध्यान दीजिए जो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मैंने एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेट का बताया था पिछली स्लाइड में, सेकंड क्वेश्चन यहां से पेपर में जो आने वाला है, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस तीनों ही नेगेटिव होते हैं अगर कहीं पे भी एड्सॉर्प्शन हो रही है। सो दिस इज द थिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टेक The types of adsorption, ठीक है। अब ना हमारे पास adsorption की दो types हैं, okay? So just wait please. Now we are having two type of सेकेंड पार्ट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की, जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत बार, तो थर्ड थिंग दैट विच वी आर डिस्कसिंग इट इज टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन हर बार प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देख रहे हैं पेपर्स को तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन के बेस पे। ये दो तरह की होती है, द फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एंड द सेकेंड कैटेगरी इज केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब यहां से आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि अगर हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोसेस फिजिकल होगा, और अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे केमिस्ट्री की बात हो रही है, बॉन्ड के फॉर्मेशन टूटने फूटने की हो रही है। अब देखिए अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि पार्टिकल इसके पास आया बट जो ये बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड बहुत वीक होगा, बॉन्ड वीक होगा। अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री, जैसे हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड जुड़ते हैं, तो ये बॉन्ड बड़ी स्ट्रांगली ये पार्टिकल इसके साथ चिपक जाएगा, एड्सॉर्ब करेगा, स्ट्रांगली एड्सॉर्ब। स्ट्रांगली एड्सॉर्ब का मतलब जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक बॉन्डिंग होती है, यहां स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन में टेम्परेचर की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड फैक्टर ले रही हूँ टेम्परेचर का, जो मैं इन दोनों के साथ डिस्कस करूंगी। देखिए पहली बात तो आप ग्राफ याद रखिएगा, एक्स बाय एम का ग्राफ अगर मैं टेम्परेचर के साथ बनाती हूँ तो ये यहाँ पे ये वाला ग्राफ रहेगा, और अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं टेम्परेचर के साथ, एक्स बाय एम टेम्परेचर के साथ, इस तरह का ग्राफ आएगा,
ठीक है, एक्स वाई एम है क्या, इट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कितनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रही है, जिसमें एम जो है वो हमारे पास जो सरफेस होता है उसका मास है कि कितना ले रखा है आपने, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्प आप देखिए यहाँ पे ये कम हो गया, यहाँ पे पहले ये बढ़ रहा है फिर उसके बाद ये कम हो रहा है, अब रीजन क्या है आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, मैं इसको हाफ कर लेती हूँ, देन आई विल मेक द कंपेरिजन। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अगर मैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रही थी तो मैंने ये बताया था कि पार्टिकल्स आते हैं क्लोज बट ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। तो अब ना हमारे पास जब एड्सॉर्प्शन हो गई तो पार्टिकल पास आ गए, ठीक है, बट बॉन्डिंग इन्होंने जो की थी वो दैट इज नॉट स्ट्रांग, स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं थी, वीक बॉन्ड था। अब मैंने यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर कर रहे हो ना इंक्रीज, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात थी तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। आप लोगों को अच्छे से पता है कि व्हेनेवर वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड अगर यहां से ब्रेक होंगे तो क्या कैटेगरी होगी कि पार्टिकल फिर से दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये वीक बॉन्ड था, ये स्ट्रांग बॉन्ड नहीं था, तो इजीली क्लीव हो जाएगा, तो पार्टिकल अवे चले जाएंगे, तो एड्सॉर्प्शन का उल्टा हो गया। यहां तो एड्सॉर्प्शन हो रही थी बट टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड टूट गए और पार्टिकल्स दूर चले गए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन विच इज रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जब आपने इनिशियली एड्सॉर्प्शन को देखा वो ज्यादा थी बट धीरे धीरे जब बॉन्ड टूटते गए तो वो बहुत कम हो गई, तो दिस इज द रिजल्ट। याद रखिएगा टेम्परेचर के इंक्रीज से फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो वो डिक्रीज होगी। अब सेम टाइप अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो देखिए हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को अगर हम बात करें, अगर हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को करना है तो हमें एनर्जी अगर हम दे देते हैं या टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन को करने के लिए, आप लोगों ने ये देखा है ना कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर कोई पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है कि वो यहां से क्रॉस करके ट्रांजिशन तक पहुंचा तभी वो प्रोडक्ट बनाएगा ना, अगर किसी के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो ट्रांजिशन बैरियर को क्रॉस कर पाए तो रिएक्शन नहीं होगी। तो केमिकल प्रोसेस है तो इसमें जब आप पार्टिकल्स को हीट दे रहे हैं तो पार्टिकल जो है हमारे पास उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और आराम से वो बैरियर को क्रॉस करके रिएक्शन करते रहेंगे। अब पहले तो ये प्रोसेस क्या होगा, पहले पार्टिकल्स एनर्जी लेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तब तो पहले तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी, एक टाइम के बाद एड्सॉर्प्शन कम होने लग जाएगी। अब इसका रीजन क्या है, देखिए मान लीजिए मैंने ये सरफेस बनाया और मैंने बना दिया कि पार्टिकल्स ने यहाँ पे एड्सॉर्प्शन कर ली, ठीक है, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन है, बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग है। इनिशियली हमारे पास सरफेस क्या होगा, फ्री है, जो सरफेस था वो फ्री है, पार्टिकल्स आए यहाँ पे लगने शुरू हो गए, एड्सॉर्प्शन कर ली, ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर दिया उनकी रिएक्शन में जो ट्रांजिशन बैरियर को क्रॉस करने की पावर थी वो जल्दी हो गई, जितनी जल्दी ये क्रॉस करेंगे उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एड्सॉर्प्शन होगी, वो जल्दी जल्दी क्रॉस हो गए, सब जगह लग गए तो एड्सॉर्प्शन मेरे पास यहाँ तक बढ़ने लग गई। बट एक टाइम के बाद जब ये सारे पार्टिकल यहाँ पे चिपक गए तो ना तो मेरे पास सरफेस बचा ना ही मेरे पास और पार्टिकल बचे हैं, क्योंकि जितने पार्टिकल मैंने यहाँ लगाए थे वो सारे यहाँ पे आ गए। अब ना तो इतने पार्टिकल है ना ही सरफेस फ्री है फॉर डूइंग रिएक्शन, तो अब चाहे जितना मर्जी अब टेम्परेचर बढ़ाते रहिए जब पार्टिकल ही नहीं बचे या ना सरफेस ही नहीं बचा तो ये दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो हमारे पास पहले इंक्रीज करता है बाद में डिक्रीज। तो यहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग से और बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है, तो मैं अगेन मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ दीज टू, तो आई एम टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो प्रेशर का कंसेप्ट लेते हैं कि किस तरीके से इस चीज को हम डिफाइन करेंगे। देखिए तो पहले अगेन आपको ग्राफ पता हो, क्योंकि कई बार ग्राफ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के साथ हमारे पास इंक्रीज करेगा, यहाँ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो ये पहले इंक्रीज करेगा बाद में ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है। अब इसका क्या रीजन है, देखिए यहाँ पे ना हमारे पास
मान लीजिए कि मैं लिखूं कि यहां मेरे पास 20 मोल्स हैं किसी भी पार्टिकल के जो इसके ऊपर एब्जॉर्ब करने के लिए आ रहे हैं, और एक तरफ मैं लिख दूं 1000 मोल, ठीक है, वो यहां पे आ रहे हैं सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करने, तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि भीड़ कहाँ होगी, नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, रश कहाँ होगा, ये 20 है, ये तो बेचारे दूर दूर से आएंगे यहाँ पे, अब 1000 है तो वो भागेंगे, फटाफट आएंगे ऊपर के ऊपर ये यहाँ पे एकमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं ये लिख दूं आपको नंबर ऑफ मोल्स इज मोर, तो मैं ये बोलूंगी कि पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, तो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो मोर इज प्रेशर, प्रेशर ज्यादा है तो एड्सॉर्प्शन भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो कहने का मतलब अगर प्रेशर पार्टिकल ज्यादा नहीं भी है तो अगर आपने उनको प्रेस करना शुरू कर दिया, एकदम से चिपकाना शुरू कर दिया सरफेस के साथ प्रेशर को इंक्रीज करके, तो पार्टिकल अच्छे से यहां से चिपकेंगे, तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन प्रेशर। यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे आप कि यहाँ पे ये होने की वजह से मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ सकता है। देखिए एक के ऊपर एक लेयर हो जाती है जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो याद रखिए यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर बनेगी, सिंगल लेयर इज देयर, सिंगल लेयर फॉर्म्ड, और यहाँ पे जब एड्सॉर्प्शन हो जाती है, देखिए सिंगल ही लेयर बननी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही बॉन्ड बनने हैं, वीक तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर ऊपर के ऊपर मैं लगाऊंगी तो डिस्टेंस बढ़ने से बॉन्ड भी वीक होगा। अब यहाँ पे ना वही चीज मैं दोबारा लिखूंगी कि पहले यहाँ पे सरफेस फ्री था, जब सरफेस फ्री था पार्टिकल्स इजिली आए, वो कंबाइन किए तो एड्सॉर्प्शन मोर हो गई, बट जब सरफेस ही नहीं बचा या फिर पार्टिकल ही नहीं बचे तो उसके बाद ये कांस्टेंट ही रहेगी ना, फिर उसके बाद एक स्टेंट के बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो प्रेशर के इंक्रीज से फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है, यहाँ पे ये पहले इंक्रीज होगी बट उसके बाद में जो है वो कांस्टेंट होने लग जाएगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। फाइन, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज फ्लॉकुलेशन वैल्यू। What is flocculation value? देखिए flocculation value होती है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। मान लीजिए मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसी सोल्यूशन में, जिसको मैं बोलूंगी कोलाइडल सोल्यूशन है मेरे पास, जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए मैंने डाल दिया ए बी टाइप का, जिसके ऊपर ए के ऊपर पॉजिटिव बी के ऊपर नेगेटिव, या मैं इसको NaCl के एग्जांपल से भी शो कर सकती हूँ। तो अगर मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट डाला तो आप लोग इतने मैच्योर हैं, आप इतना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाले तो करेंगे रिपेल, तो ए तो इसके पास नहीं जा पाएगा क्योंकि रिपल्शन होगी, कौन सा इसके पास जा सकता है, बी नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले अकेले अकेले थे, बाद में ये नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना के इस तरीके से जुड़ गए, ये बी क्या है, बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये अगर एसोसिएशन कर रहे हैं, मान लीजिए अगर Na पॉजिटिव लिखूं, वो Cl के साथ अगर कंबाइन करे, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव कंबाइनिंग, तो ये NaCl बनाएगा, तो इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो सेम वे में अगर पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी, और उस प्रेसिपिटेशन को आप क्या बोल सकते हैं, फ्लॉकुलेशन होगी। यहाँ पे दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्रेसिपिटेट इज नोन एज फ्लॉकुलेशन, या फिर आप इसको कोगुलेशन भी बोल सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव गॉट इन प्रीवियस ईयर एग्जाम, कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज क्लाइडल सोल्यूशन है, वी आर एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इन इट, तो इट गेट्स कोगुलेटेड, इट गेट डिस्टेबिलाईज, नथिंग इज फॉर्म्ड, तो चार ऑप्शन दे रखे थे, तो कोगुलेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कोगुलेशन फ्लॉकुलेशन वैल्यू जो है, या फिर कोगुलेशन वैल्यू, एक ही बात है, पहली बात तो ये चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे ना आप लिख लीजिए
how much millimoles of electrolyte is added to convert 1 liter, 1 liter क्या होता है 1000 ml, 1 liter of colloidal solution, ठीक है, कि कितने मिलीमोल आप इलेक्ट्रोलाइट के ऐड कर रहे हैं इसमें, ताकि आपके पास जो 1 लीटर है कोलाइडर सॉल्यूशन का उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा, ठीक है। yes. तो अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्लॉकुलेशन वैल्यू के ऊपर। तो क्वेश्चन है फॉर द कॉगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनियस सल्फाइट 5 ml of 1 molar NaCl3 is required. What is its flocculation value? तो ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें अमाउंट्स दे रखी हैं, हमें ये पता है कि अगर मोलर है तो ये क्या है मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1 molar। मोलैरिटी होती क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट्स डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो n हम यहां से निकाल लेंगे, 1 molarity थी हमारे पास, इंटू 5 divided by 1000, तो मेरे पास आंसर आ गया 5 × 10⁻³ moles, जिसको मैं 5 millimoles भी लिख सकती हूँ, ठीक है 5 millimoles। अब देखिए जी 5 millimoles मुझे चाहिए, क्यों चाहिए 5 millimoles 100 ml में कॉगुलेशन को रोकने के लिए। अब देखिए मैं लिखूंगी 100 ml में हमें चाहिए 5 millimole, एक में कितना चाहिए और 1000 में कितना चाहिए, वी कैन कैलकुलेट। तो आंसर मेरा यहाँ पे कितना आ गया 50। तो इन दिस वे यू कैन डू द कैलकुलेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लीजिए AlCl3 है और NaCl है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ये वाली, और 1 is 0.72, ये वैल्यू आपको दी गई है फ्लॉकुलेशन वैल्यू। अब याद रखिएगा कि फ्लॉकुलेशन वैल्यू आपको दे रखी है, और क्वेश्चन में ये पूछ क्या रहा है कि विच वन इज हैविंग मोर फ्लॉकुलेटिंग पावर या फिर कोगुलेटिंग पावर, एक ही बात है, तो किसकी पावर ज्यादा है। यहां पे याद रखिएगा कि जितनी कोगुलेशन वैल्यू है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग पावर, ठीक है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, फ्लॉकुलेटिंग वैल्यू हमारे पास जितनी ज्यादा होगी उसका कोगुलेटिंग पावर उतना ही कम होगा। तो इसकी वैल्यू अगर कम है AlCl3 की, तो इसकी जो पावर है वो क्या होगी, ज्यादा। तो इस तरीके से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब एक चीज और देखिए, मैंने अभी बताया कि एक AlCl3 है, एक NaCl है, इनमें से ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर ज्यादा है, ये किस रूल से पता चला, हार्डी स्टुल्स रूल, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रनाउंस, तो मैं इसको हार्डी रूल से ही बोलूंगी। हार्डी ने क्या बताया, लिख लीजिए, मोर इज द चार्ज मोर इज फ्लॉकुलेटिंग या फिर कोगुलेटिंग वैल्यू, मोर इज द चार्ज मोर इज द फ्लॉकुलेटिंग पावर। अब अगर मैं क्वेश्चन दूं जिसमें Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव ये दे रखा है, एक साइड पे मैं कोई कॉम्प्लेक्स लेके दिखाती हूँ कि पेपर में कुछ ऐसा आ जाए, तो आप लोगों ने किस तरीके से इस चीज को सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब देखिए,
यहाँ पे चार्ज इसका ज्यादा कम कम जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी. इफ चार्ज इज मोर कोगुलेटिंग पावर इज मोर. फाइन, यहां चार्ज ज्यादा, उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए जिसका पावर ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा. अब देखिए एक और ट्रिक है जिसकी हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखना. यहां पे मान लीजिए मेरे पास ना दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक टेस्ट ट्यूब मैंने ये ले ली, एक मेरे पास ये वाली टेस्ट ट्यूब है. यहाँ के आई था सोल्यूशन एक्सेस में हमारे पास, यहां मैंने डाल दिया AgNO3 जो एक्सेस में है. इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ AgNO3, यहां पे जो मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रही हूँ Ki. दोनों ही रिएक्शन में ये दोनों चीजें एक्सेस में हैं क्योंकि इसके सोल्यूशन है, और जो चीज एक्सेस में होती है इसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम, जो एक्सेस में है. जब हम इनको ऐड कर रहे थे तो AgNO3 चाहे किसी भी, यहाँ ये टेस्ट ट्यूब ए है, दिस इज टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है. तो जब हमने इनको ऐड किया तो मेरे पास AgI के पीपीटी बनेंगे और मेरे पास साथ में KNO3 जो है वो बन के बाहर निकल जाएगा. अब जिस चीज के पीपीटी बने, मैं ना छोटे छोटे ड्रॉ कर लेती हूँ, ये पीपीटी है, ठीक है. किस चीज के पीपीटी है? AgI के. हर जगह ही AgI है मेरे पास, जो पीपीटी बने दोनों ही साइडों में. अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जब हमारे पास वी आर हैविंग डिस्पर्शन मीडियम KI एंड वी आर एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट AgNO3, तो जो सोल्यूशन बनेगा, जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा दोबारा, उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द रिजल्टिंग कोलाइडल सोल्यूशन व्हेन एवर वी आर मिक्सिंग दीज टू टुगेदर? तो चार्ज क्या होगा? देखिए यहाँ पे AgI के प्रेसिपिटेट थे, इसके ऊपर ना क्या होता है देखना ध्यान से. डिस्पर्शन मीडियम में हमारे पास ये पार्टिकल थे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. ध्यान दीजिएगा यहाँ जो पीपीटी थे वो किस चीज के थे? एजी पॉजिटिव आई नेगेटिव. यहाँ जो पीपीटी थे वो क्या है? एजी पॉजिटिव आई नेगेटिव. इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? जो आयन कॉमन होगा उसको ले लीजिए आई नेगेटिव. इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? कॉमन है हमारे पास एजी पॉजिटिव. जो चीज कॉमन होगी वो इस चीज को सराउंड करेगी, ठीक है. इस चीज को सराउंड कौन करेगी? नेगेटिव. हर जगह मतलब इसके ऊपर नेगेटिव की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है. और रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज कोलाइड इन दोनों को मिक्स करने के बाद. यहाँ पे इन जो डिस्पर्शन मीडियम था और जो पीपीटी बने हैं उसमें से अगर आप कॉमन आयन ढूंढेंगे वो एजी पॉजिटिव का है. एजी पॉजिटिव इसको सराउंड करेंगे, तो अगर पॉजिटिव सराउंड कर रहे हैं तो दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन. तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इसको दोबारा देखिए. एक चीज और मैं इसके साथ की रिपीट करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड नंबर का. गोल्ड नंबर की पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स अकॉर्डिंगली कि इसको कैसे करना होगा. देखिए, इट इज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एडेड इन 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्यूशन टू स्टॉप द कोगुलेशन इफ 1 ml ऑफ NaCl3 दैट इज 10% इज एडेड इन इट. ये गोल्ड नंबर की डेफिनेशन है, बट किस तरीके से आप इसको समझ नहीं पाएंगे, तो हम समझने के लिए कैसे बता रहे हैं. तीन चीजें मैं लिखूंगी, मेरे पास ना तीन तरह के सोल्यूशन है. ट्रू सोल्यूशन होता है, एक मेरे पास होता है कोलाइडल सोल्यूशन, एक मेरे पास था सस्पेंशन. ये तीन चीजें मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपके कवर कर रखी हैं, अपलोडेड है, चेक कर लीजिएगा.
अगर तो पार्टिकल का साइज हमारे पास 1 नैनोमीटर से कम है, ठीक है, तो हमारे पास उस चीज को क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में साइज है तो कोलाइडल सॉल्यूशन, और अगर 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा साइज है तो दिस इज सस्पेंशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन जो था वो दो टाइप का था। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, एक है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, यस। अब देखिए, लायोफिलिक का मतलब ये सॉल्वेंट लवर है। अगर सॉल्वेंट लवर है तो ये सॉल्यूशन इजीली बना लेंगे। किसी भी चीज में अगर आप इसको डालेंगे तो ये सॉल्यूशन क्या बना लेंगे, फॉर्म सॉल्यूशन इजीली। और जो ये सॉल्यूशन इन्होंने बना लिया वो कोलाइड जब पानी में घुलती है या किसी भी सॉल्वेंट में घुलती है, लायोफिलिक कोलाइड, तो वो सॉल्यूशन इजीली बना देती है और वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, स्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी पीपीटी नहीं है, कोई भी लंप नहीं है, ठीक है, कोई पीपीटी नहीं है तो मतलब इसमें कोई भी कोगुलेशन नहीं है, तो ये ठीक है, ठीक ठाक पड़ा है। लायोफोबिक का मतलब है कि ये सॉल्वेंट को हेट करते हैं, सॉल्वेंट हेटर है, सॉल्वेंट हेटर है, तो वी कांट फॉर्म देयर सॉल्यूशन इजीली, नहीं बना पाएंगे। तो कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड को मैंने पानी में डिप कर दिया तो क्या वो सॉल्यूशन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो लायोफोबिक कोलाइड के केस में सॉल्यूशन बनाना इजी नहीं होता, वी रिक्वायर स्पेशल मेथड्स फॉर दैट, जैसे ब्रैडिक आर्क मेथड हो गया, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ रखे हैं, ब्रैडिक आर्क मेथड, या फिर कोई भी मैकेनिकल मेथड आप लेंगे फिर ये बनाएगा। जब ये इसका सॉल्यूशन बन भी गया, ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्यूशन बन जाता है इससे तो वो सॉल्यूशन इट इज नॉट स्टेबल। स्टेबल नहीं है तो मतलब साथ की साथ यहाँ पे लंप बन सकते हैं, यहाँ पे पीपीटी बन सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि इसकी जो कॉगुलेशन है वो इजी है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। ये दो चीजें थी, ये समझनी है आपने। अगर तो ये समझ आ गया आपको, तो आपको ये पता चल गया कि अगर मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, ये सोल्यूशन मेरे पास था लायोफोबिक का, इसमें हम कुछ भी और एड अप कर रहे हैं, जैसे मैंने एड कर दिया 1 ml ऑफ NaCl, ठीक है, 1 ml ऑफ NaCl जो कि 10% मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था, वो इलेक्ट्रोलाइट मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था मैंने, और मैंने बोला था कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब इसके पीपीटी बन जाएंगे, फॉर्म पीपीटी। अगर पीपीटी बन जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास ऐसे ना लंप बनने शुरू हो जाएंगे, पीपीटी बनने शुरू हो जाएंगे। ये बन गया, पीपीटी बन गए, कोगुलेशन हो गई। अब इसकी कोगुलेशन को हमने करना है स्टॉप, वी हैव टू स्टॉप दिस कोगुलेशन। अब इस कोगुलेशन को स्टॉप करने के लिए वी हैव टू एड लायोफिलिक कोलाइड। हम लायोफिलिक कोलाइड को ऐड करते हैं। अब वो कितनी अमाउंट में ऐड करते हैं, वो अमाउंट होती है mg में। कितनी अमाउंट आप इसकी ऐड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज गोल्ड नंबर। आप देखिए, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एडेड इन mg टू स्टॉप कोगुलेशन फॉर लायोफोबिक कोलाइड, इट इज नोन एज गोल्ड नंबर। ठीक है, अब देखिए,
गोल्ड नंबर का मैंने सारा कंसेप्ट आपको समझा दिया, अब मैं लिख रही हूं इसका फॉर्मूला. गोल्ड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन एडेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 10. ये है गोल्ड नंबर. mg में होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. और याद रखिए कि 1 ग्राम 1000 mg के बराबर है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर डूइंग द कन्वर्सन. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मैं लिखूंगी. इफ 10 mg इज एडेड टू 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन, 10 mg कोलाइडल सोल इज एडेड टू 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन टू स्टॉप कोगुलेशन व्हेन 1 ml ऑफ 10% ऑफ NaCl is added, calculate its gold number. तो इस तरीके में आपको डेफिनेशन मिलेगी बहुत गंदे वाली. पहली बात तो जब ये शुरू हो जाती है ना लाइन 1 ml ऑफ दिस दिस दिस, ये नहीं देखनी, इसको काट दीजिए, इसको ये चाहिए ही नहीं. हमें गोल्ड नंबर के लिए क्या चाहिए था कि कितनी अमाउंट ऐड की है वो mg में हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो था ml में चाहिए, इंटू 10 करना है. कितनी अमाउंट ऐड की है, 10 mg ऐड किया है. किस सॉल्यूशन में ऐड किया है, 100 ml में, इंटू 10 कर देंगे तो आंसर जो गोल्ड नंबर आया वो 1 आया. इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना है. ठीक है जी. अब मेरे पास एक क्वेश्चन और है आपके लिए. अगर मेरे पास कोई ए और बी स्पीसीज दी गई है और साथ में ना उसका गोल्ड नंबर दे दिया, इसका है गोल्ड नंबर 5, इसका है 10. 5 या 10 हमें दे दिया और क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन हैज मोर प्रोटेक्टिव पावर. इसका मतलब क्या पूछा इसने, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए फिर आंसर आएगा. इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 5 mg ऐड करना होगा. ठीक है, ये अमाउंट है ना, गोल्ड नंबर एक्स था, 5 mg ऐड करें, यहाँ हमें 10 mg ऐड करना पड़ रहा था. क्यों ऐड कर रहे हैं, टू स्टॉप कोगुलेशन. तो जो जितनी जल्दी, यहाँ पे हमें एक बीकर था, 5 के ऐड करने से ही कोगुलेशन रुक रही है, एक बीकर है जिसमें 10 ऐड कर रहे हैं तब कोगुलेशन रुकेगी. तो अगर थोड़ी अमाउंट डालने से कोगुलेशन रुक रही है तो इसका मतलब इसका पावर है जो प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो ज्यादा है, इंक्रीज्ड है. तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगर गोल्ड नंबर ज्यादा है तो प्रोटेक्टिव पावर उस कोलाइड की कम है, बिकॉज गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिव पावर. ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं. फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यस, वी आर डूइंग द क्वेश्चन. सो अगेन नेटवर्क प्रॉब्लम वाज देयर, सो आई हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स अगेन. यहाँ पे आपको गोल्ड नंबर गिवन है. दे आर आस्किंग कि गोल्ड नंबर ऑफ HB इज गिवन 0.03 एंड न्यूमेरिकली सेइंग कि 100 ml गोल्ड सोल का रिक्वायर करता है हीमोग्लोबिन ताकि उसकी कोगुलेशन ना हो. तो उस अमाउंट को निकालना है कि 100 ml जो दिया है वो तो सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, ये तो आपको पता चल गया होगा. अब हमें क्या निकालना है, गोल्ड नंबर गिवन है कि कितनी अमाउंट आपने HB की ऐड की ताकि उसमें कोगुलेशन ना हो. समझे आप, तो ये क्लियर होना जरूरी है. तो गोल्ड नंबर इज इक्वल टू कितनी अमाउंट में आप, हाउ मेनी नंबर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड जो आप mg में ले रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ml में लेना है इंटू 10. ये क्वेश्चन था. तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 0.03 इट इज गिवन.
ठीक है, x हमने निकालना है, वॉल्यूम हमें 100 दे रखा है इंटू 10, तो यहां से अगर आप x को सॉल्व करेंगे तो इट इज 0.3 mg, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकती हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस थिंग टू द अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो स्लाइड में आगे मूव कर रही हूं, प्लीज वेट। यस, सो दिस इज द क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, फर्स्टली क्वेश्चन शुड बी क्लियर, देन उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। दे आर सेइंग कि जो कॉगुलेशन है हमारे पास, कॉगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, इसका मतलब जो वॉल्यूम दिया है वो 100 ml दे रखा है, इट इज गुड। ऑफ गोल्ड इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड बाय एडिंग 0.25 g ऑफ स्टार्च, कितनी अमाउंट दे रखी है स्टार्च की जो ऐड करेंगे ताकि कॉगुलेशन ना हो, जिसको मैंने एक्स बोला हुआ था वो है 0.5 g, ठीक है। और ये स्टेटमेंट मैंने बोला हुआ है 1 ml, ये वो ये नहीं देखना, और क्या निकालना है, गोल्ड नंबर जो बराबर होगा एक्स, जिसको आपने mg में लेना है, कितना ऐड किया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपने ml में लेना है, इंटू 10। अब देखिए x की वैल्यू मैंने बताया था मेरे पास ग्राम में है और मुझे चाहिए mg में, 1 g 1000 mg के बराबर होता है, तो हमारे पास 0.5 g 25 g किसके बराबर हुआ, 0.25 × 1000, ये आ गया इसका मिलीग्राम में। तो मैं लिखती हूँ 0.25 × 1000, ये mg में आ गया, वॉल्यूम ml में ही दिया हुआ है, और साथ में हमने क्या करना है 10 से इसको मल्टीप्लाई, ये दोनों गए इसके साथ, और अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो 100 नीचे भी लगेगा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने इस चीज को सॉल्व करना है, बिकॉज दिस वन इज इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। तो लॉट ऑफ वैरायटी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो पहले का बेसिक था, ये वीडियो अगर आपने देख ली है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ कि गोल्ड नंबर दे रखा है, गोल्ड नंबर किसका दे रखा है, एक्स का दे रखा है वो 10 है, गोल्ड नंबर हमारे पास वाई का कितना है 25, ठीक है। और वो क्या पूछ रहा है प्रोटेक्टिव पावर के बारे में, मैंने बताया था प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, अगर गोल्ड नंबर किसी का कम है तो प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगी, तो वो पूछ रहा है किसकी प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली एक्स की प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगेन दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट वेट, यस, सो दिस इज द अनदर क्वेश्चन, सो यू कैन डू दैट, ओके। तो इसको करिए, कैसे करेंगे आप देखिए, यहां पे आपको दिया गया है 30 mg ऑफ कोलाइडल इज एडेड, इसका मतलब जो एक्स था वो 30 mg दे रखा है कि कितना ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, जो हमें ml में ही चाहिए था वॉल्यूम दे रखा है 1000 ml, फाइन। ये तो देखना ही नहीं होता न्यूमेरिकल में, तो गोल्ड नंबर निकालना है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड एडेड to stop the calculation divided by volume in ml into 10, ये mg में होना चाहिए। तो क्या ये सारा कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ये mg में है, volume already दे रखा है, इसको 10 के साथ कर देंगे तो हमारा आंसर 0.3 आ जाएगा, this is our gold number। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको इस तरीके का मिलेगा। Now I am moving to the next slide. यहाँ x is equal to 50, y equal to 10 और z हमें दिया गया है 20, और ये क्या दिए गए हैं, गोल्ड नंबर, तीन स्पीसीज हैं, तीनों के गोल्ड नंबर दे रखे हैं, पूछ रहा है कि प्रोटेक्टिव पावर किसकी ज्यादा होगी, प्रोटेक्टिव पावर उसकी ज्यादा होगी जिसका गोल्ड नंबर कम है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका सबसे कम है उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा, तो आंसर जो रहेगा मेरा दिस इज वाई, ठीक है। ये पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि कौन सा हमारे पास कोलाइड वो बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड है, तो गोल्ड नंबर दे रखे हैं, इसका 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 गिवन दे रखा है, तो देखिए
जिस चीज को इन लोगों ने गिवन दे रखा है गोल्ड नंबर है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर कम। बेस्ट पूछा है तो वो पूछ रहे हैं प्रोटेक्टिव पावर किसकी ज्यादा है, इसका मतलब उसका गोल्ड नंबर सबसे कम होना चाहिए। तो विच वन इज हैविंग लोएस्ट गोल्ड नंबर, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो जेलेटिन जो है उसका सबसे कम दे रखा है गोल्ड नंबर 0.005, जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम उसकी प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा, तो ये एक बेस्ट एजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, मेरी तरफ से अब ये कंप्लीट है। प्लीज सी द वीडियो और अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को बताएंगे। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारा काम मेरी तरफ से कंप्लीट है, सो प्लीज डू दिस केयरफुली एंड नोट डाउन दिस थिंग इन योर कॉपी। सो बाय बाय एवरीवन।